अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने जा रही हूँ, जो कि हैं ग्लैमरस फेस के प्रोडक्ट। सबसे पहले मेरे पास है ये यूवी ऑयल फाउंडेशन, ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन, जिसमें SPF है 35 और ये ग्लैमरस फेस के टू वे केक है। आप इसे ड्राई भी यूज़ कर सकते हो और वेट एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं SPF 35 है, आपको सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है मेरे पास ग्लैमरस फेस का फिक्सिंग लूज पाउडर, जो कि फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें मेरे पास शेड है फेयर 2 और इसके ऊपर इन्होंने एप्लीकेटर ब्रश भी दिया हुआ है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती। और साथ एक का ब्यूटी ब्लेंडर है। और है मेरे पास ग्लैमरस फेस की ये लिपस्टिक, इसमें शेड है मेरे पास चॉकलेट, जो कि आप डार्क भी लगा सकते हो और लाइट करके भी लगा सकते हैं। लाइट लगाएं तो पीच बन जाता है। उसके बाद ग्लैमरस फेस की मेरे पास ये आई लैशेज हैं, 3 का ये पैक मिलता है आपको। इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको अप्लाई करना और इनका रिव्यू देना। मैं स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को सिक्योर करूँगी और उसके बाद हमें चाहिए होता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। तो उसके लिए मैं निविया का ये सॉफ्ट लोशन यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। आपने अप्लाई करना है और इसे अच्छी तरह स्किन में अब्सॉर्ब करना है और फिर 2 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। आपके 2 मिनट्स आपने लगाना है कोई भी इल्यूमिनेटर, जो कि हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाया जाता है। मेरे पास ये DIY हाईलाइटर है, इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटर। इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने हाईलाइटेड एरियाज़ पे और अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। इसको लगाने का ये बेनिफिट होता है कि आप कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करो अपनी स्किन पे, तो आपकी स्किन जो है वो अंदर से ग्लो आ रही होती है आपकी स्किन में। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद आपने 2 मिनट रेस्ट देनी है फेस को एंड देन आपने प्राइमर अप्लाई करना है। अब मैं अपनी स्किन पे ब्यूटीफाई बाय अमला का पोरफेट प्राइमर अप्लाई करूँगी। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट प्राइमर है और गर्मियों के लिए भी बेस्ट है। प्राइमर लगाने के बाद आपने 2 मिनट रेस्ट देना है अपने फेस को। और फिर ये मैं लगा रही हूँ ग्लैमरस फेस का 2 वे केक, जो कि आप ड्राई भी लगा सकते हैं और वेट भी लगा सकते हैं। ये पाउडर फाउंडेशन भी यूज़ होती है, तो उसको मैं स्पंज जो है ब्यूटी ब्लेंडर उसको वेट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और ये गर्मियों के लिए बेस्ट जो है वो फाउंडेशन है, क्योंकि ये ड्राई फाउंडेशन है तो आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगी, आपकी स्किन को ड्राई ही रखेगी। पैनकेक फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने ये ग्लैमरस फेस का फिक्सिंग लूज पाउडर अप्लाई किया था। आईज़ मेकअप के लिए मैं ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जो कि ब्यूटी आई शेडो का है। उसमें से ये मैं क्रीमी शेड लेके, ये वाला येलोश क्रीमी शेड लेके, इसको मैं अपने क्रीज एरिया पे और पूरी आईलिड पे लगाऊंगी, ताकि मेरी आईलिड जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए, पाउडर इफेक्ट आए। क्योंकि मैं आज सारे मैट शेड लगाऊंगी, तो मुझे जो है थोड़ा सा भी ऑयल नहीं चाहिए अपनी आईलिड पे। उसके बाद मैं ये वाइट शेड लेके इसको अपनी डार्क सर्कल एरियाज पे लगाऊंगी, ताकि वाइटनिंग इफेक्ट आए और हाइलाइटेड लगे आईज़ मेरी। ये काफ़ी अच्छा हैक है और अच्छी टिप है। आप वाइट कोई भी शेड लेके उसको अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे
लगाएं तो आपकी जो है आईज़ वो काफ़ी ब्राइटन लगती हैं और हाइलाइटेड लगती हैं। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन का कलर लेके ऑरेंज का कलर लेके इसको मैं अपने क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। और ये लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। उसके बाद मैंने पिंक सा शेड लेके अपनी आई लिड पे लगाया। ये कैमरे पे काफ़ी लाइट मेकअप लग रहा है लेकिन रियल में जो है काफ़ी ज़्यादा मेकअप है, हैवी मेकअप लग रहा है। कैमरे में लाइट और ब्राइटनेस होती है काफ़ी, तो इसलिए डिफरेंस भी आ रहा है आईज़ में, लेकिन जो है ये सेम। लैशेज अप्लाई करने से पहले मैं मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि मस्कारा हमेशा आपको पहले लगाना चाहिए, क्योंकि फिर लैशेज आपकी जो हैं वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकेंगी अगर आप उन पर मस्कारा अप्लाई कर लेंगे तो। ये जो ग्लैमरस फेस के आई लैशेज हैं ये मिंक हेयर ओरिजिनल 5D लैशेज हैं, काफ़ी अच्छी हैं, आप इन्हें 10-15 टाइम यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनको केयर करके रखें इनकी। ये हैं आई लैशेज, इसमें मैं ये सेकंड वाली अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी अच्छी लैशेज हैं और इनका जो बैंड है वो भी बारीक सा है और ये लाइट वेट है, आपकी आँखों को ज़रा सा भी इरीटेट नहीं करती, ना ही आपकी स्किन आँखों पे हैवी हैवी लगती हैं। अब जो ये खाली एरिया नज़र आ रहा है डियर डॉट के वाली साइड पे, यहाँ पे हम लाइनर अप्लाई कर लेंगे। लाइनर आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी, आपकी अपनी चॉइस है। पहले लगा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो आपकी स्किन है वो फिर नज़र नहीं आएगी, अच्छे से अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद अब मैं अपने आईब्रोज बनाऊँगी। आईब्रोज मैंने नेट कर लिए अपने और अब मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ फैन ब्रश लेके। सारी चीज़ों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, अगर आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये है ग्लैमरस फेस की लिपस्टिक, इसको आप जो है लाइटली अप्लाई करेंगी तो ये लाइट दिखेगी, अगर आप ज़्यादा डार्क करके लगाना चाहते हैं तो आप 2-3 कोट कर लें। इस तरह से दिखती है, काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ मैं तभी इसकी हालत जो ऐसी हुई है। ये मैंने लाइट करके अप्लाई किया है तो इसका शेड खींचा है। उसके बाद मैं अपने हेयर्स को ओपन कर लूँगी और ये है फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोई ग्लोई लग रही है हाइलाइटर्स की वजह से और जो इल्यूमिनेटर लगाया था उसकी वजह से। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।